बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, एक साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मैं तो तबाह हो गया, अपनी बीवी के साथ रमज़ान में रोज़ा की हालत में हम बिस्तरी कर रही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर एक ग़ुलाम आज़ाद कर। उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे पास कोई ग़ुलाम नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दो महीने के रोज़े रख। उन्होंने अर्ज़ किया, इसकी मुझ में ताकत नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 60 मस्किनों को खाना खिला। उन्होंने अर्ज़ किया कि इतना भी मेरे पास नहीं है। बयान किया कि फिर खजूर का एक टोकरा लाया गया। इब्राहिम ने बयान किया कि अर्क एक तरह का 9 किलोग्राम का एक पैमाना था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछने वाला कहाँ है, लो इसे सदका कर देना। उन्होंने अर्ज़ की, मुझसे जो ज़्यादा मुहताज हो इसे दूँ। अल्लाह की कसम, मदीना के दोनों मैदानों के दरमियान कोई घराना भी हमसे ज़्यादा मुहताज नहीं है। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए और आपके सामने कदमदान मुबारक खिल गए। इसके बाद फरमाया, अच्छा फिर तुम मियाँ बीवी ही इसे खा लो। सही बुहारी, हदीस नंबर 6087।